आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू हलवाई लोग जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से हम घर पर बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन का दरदरा आटा, 150 ग्राम बूरा और 150 ग्राम घी, ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। और चाहिए आधा कप दूध और थोड़ा सा इलायची पाउडर। सबसे पहले हम इस तरह के चौड़े बर्तन के अंदर बेसन का जो दरदरा आटा है उसे निकाल लेंगे। अगर आपके पास बेसन का दरदरा आटा नहीं है तो आप जो घर में हम बेसन इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हलवाई जैसे दानेदार लड्डू चाहिए तो हो सके तो आप बेसन का दरदरा आटा इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर पहले हम घी डालेंगे। हमने जो 150 ग्राम घी लिया है इसमें से ही यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून के करीब घी इसके अंदर डाल रही हूँ। आपको बस ये मेजरमेंट अच्छी तरह से फॉलो करना है तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है। अब दूध और घी को हम बेसन के आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बेसन का दरदरा आटा नहीं है और आप घर का जो बेसन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको यही प्रोसेस करनी है। उसके अंदर घी डालना है और दूध डालना है और फिर सारे आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से हमारे जो बेसन के लड्डू है वो बहुत ही दानेदार बनेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर उसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ढककर। 10 मिनट रखने के बाद उसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर उसे छलनी से छान लेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो एक अच्छी तरह से एक सा टेक्सचर में आ जाए। तो जिस बाउल में हमने आटा लिया था उसमें ही पहले हम इसे निकाल लेते हैं। इसे छानने के लिए हमें थोड़ी सी जो मोटी वाली छलनी आती है उसका इस्तेमाल करना है ताकि बेसन हमारा दरदरा है तो वो अच्छी तरह से उसमें से नीचे गिर जाए। अगर आपकी जो छलनी है वो बारीक वाली होगी तो अच्छी तरह से वो उसके अंदर से नीचे नहीं जाएगा। इस तरह से हाथों से रगड़ कर उसे हम छान लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर एक बार चलाकर मिक्स भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बेसन जो है हमारा एक स्मूथ सा टेक्सचर में आ जाएगा। अभी मैंने सारा बेसन छान लिया है, आप देख सकते हैं कि उसका जो टेक्सचर है वो कितना अभी अच्छा बन गया है। तो अभी हमारा बेसन तैयार है, तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की ओर। बेसन को अभी हम भूनेंगे। बेसन भूनने के लिए आपके पास जो सबसे छोटा वाला गैस का बर्नर है आप उसका इस्तेमाल करें और उसे भी बहुत ही कम आंच पर रखें। हो सके तो नॉनस्टिक या तो फिर भारी तलिए वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसका इस्तेमाल करें। घी को हम गरम करेंगे लेकिन बहुत ही कम आंच पर गरम करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब घी थोड़ा सा गरम हो जाए तब उसके अंदर हमने जो बेसन तैयार किया है वो डालेंगे। आपको बस ये बात का ख्याल रखना है कि बेसन आपको बहुत ही कम आंच पर भूनना है। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो आपका जो बेसन है उसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन वो अच्छी तरह से सिकेगा नहीं और हमारे जो लड्डू है वो अच्छे नहीं बनेंगे। बेसन को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, उसे बीच में बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों से ही अभी कढ़ाई को पकड़ के रखा है तो ये बिल्कुल भी उतनी गर्म नहीं है। उसकी जो आंच है गैस की वो बहुत ही स्लो है और कढ़ाई भी उतनी गर्म नहीं है। मैं हाथों से ही इसे अभी पकड़ रही हूँ। तो इस तरह से हमें बेसन को भून लेना है। शुरू में आपको बेसन चलाते वक्त थोड़ा सा भारी लगेगा, उसका जो कलर है वो भी इस तरह से आपको डार्क दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा उसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो जाएगा और बेसन फूलने लगेगा, उसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी और चलाते वक्त आपको वो काफी हल्का भी लगेगा। अगर आप इस तरह से सारे मेजरमेंट फॉलो करके और जो टिप्स मैंने बताई है वो फॉलो करके ये लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू भी हलवाई जैसे ही बहुत ही दानेदार बनेंगे। बेसन को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा वो फूलने भी लगा है और चलाते वक्त पहले से वो थोड़ा सा हल्का भी हो गया है। इसे हम और भून लेते हैं। अभी 10 से 12 मिनट जितना समय हो चुका है, आप देख सकते हैं कि बेसन का कलर जो है वो पहले से काफी हल्का हो गया है, वो फूलने भी लगा है
और चलाते वक्त वो बहुत ही हल्का हो गया है। बेसन भुनने की बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है, लेकिन इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बेसन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। उसके ऊपर इस तरह से आपको घी भी थोड़ा दिखाई देगा। इस तरह के जो बबल आपको दिख रहे हैं वो हमने जो घी डाला था वो है, तो घी भी इसमें से अभी छूटने लगा है। तो अभी हमारा बेसन अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब इसके अंदर हम हलवाई वाली एक ट्रिक से दूध डालेंगे। अक्सर लोग बेसन भून लेते हैं और फिर लड्डू बनाते हैं, लेकिन इस तरह से बेसन जब भून जाए तब उसके ऊपर दूध नहीं डालते हैं। इस तरह से दूध डालने से हमारे जो लड्डू है वो बहुत ही दानेदार बनेंगे और उसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। जब आप बेसन के ऊपर दूध इस तरह से छिड़केंगे तो बेसन आपको इस तरह से फूलता हुआ दिखाई देगा। उसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के अंदर बेसन जो है वो नीचे अपने आप बैठ जाएगा। जब बेसन अपने आप नीचे बैठ जाए तब फिर से हम उसके अंदर 1 चम्मच दूध इस तरह से छिड़केंगे। दूध अभी मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। अगर आप लड्डू बनाते हैं तो ये वाली ट्रिक से जरूर एक बार बनाकर ट्राई करें। आपके लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे और उसके अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी हलवाई वाली। आप देख सकते हैं कि दूध डालने से बेसन काफी फूल जाता है पहले, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने आप नीचे भी बैठ जाता है। तो अभी हमारा बेसन तैयार है, तो गैस अभी हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी इसे हम कुछ देर तक इस तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो काफी गर्म है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो नीचे वाला जो बेसन है वो ज्यादा भून जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे चलाते हैं और फिर एक बर्तन के अंदर उसे निकाल लेंगे। इसे हम इस तरह के चौड़े बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बेसन जब हल्का सा ठंडा हो जाता है तब उसके अंदर बूरा यानी कि पाउडर शुगर मिला देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गर्म बेसन और उसके अंदर पाउडर शुगर यानी कि बूरा मिला देंगे तो उसमें से पानी छूटेगा और आपके जो लड्डू है वो जल्दी से खराब हो जाएंगे। तो पहले आप इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें, इस तरह से फैला कर रखें। आधा घंटा अभी हो चुका है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर भी ठंडा होने के बाद डालेंगे तो उसकी बहुत ही बढ़िया अरोमा यानी कि खुशबू आएगी। अब इसके अंदर हम बूरा जिसे टगार भी कहते हैं वो डाल देंगे। हो सके तो बूरा या टगार का ही इस्तेमाल करें। अगर आप पाउडर शुगर डालेंगे यानी कि पिसी हुई चीनी, तो वो जो घी है बेसन के अंदर का वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगी और जो बूरा होता है वो घी एब्जॉर्ब नहीं करता है। पाउडर शुगर को पीस कर ही बनाया जाता है, लेकिन बूरा जो है वो बनाने की प्रोसेस अलग होती है। तो जब भी आप कोई लड्डू बनाए तो बूरे यानी कि टगर का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपके लड्डू के अंदर घी आपको दिखाई देगा। बूरा भी आप घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपको बूरा बनाने की रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसमें से अभी हम लड्डू बनाएंगे। यहाँ पर मैं मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे लड्डू बना सकते हैं। इस तरह से हम हाथों में लेके पहले उसे बाइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से जब ये बाइंड हो जाएगा तब हम हाथों में उसे शेप दे देंगे गोल। इस तरह से हम उसे हाथों में ही अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अगर आपके घर में और कोई मेंबर भी है तो आप उसकी हेल्प भी इसके अंदर ले सकते हैं। अभी हमारा लड्डू तैयार हो चुका है, तो इस तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना लेते हैं। मीडियम साइज के आपके 13 लड्डू इसमें से बनकर तैयार होंगे। तो हलवाई वाले लड्डू की ये रेसिपी इस दिवाली पर आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।